गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अब ये आपको पपी देख के कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रॉटवाइलर का पपी है मेल, और अभी ये 32 डेज का है। इसको जब मैंने लाया था, मतलब जब हम इसको हम ही वहाँ से परचेज करके लाए हैं, मतलब अडॉप्ट करके गोरखपुर से, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये बाइट बहुत तगड़ी बाइट कर रहा है, बहुत तगड़ी बाइट कर रहा है ये। और यही अभी से इसकी आदत को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये बाद में चल के बहुत छुटकुआ बहुत परेशान करेगा। तो ये एक तो मेल है, और वैसे भी मेल बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। और रॉटवाइलर पपी है तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा है हमें। देखिए आप 32 डेज का पपी है, और इसकी जो प्राइज है दोस्तों वो बस हमारे यहाँ 15,000 में मिला है। और अभी एक्टिवपन सुबह सुबह मॉर्निंग में, यार आज सोचा कि अपने डॉग का वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहा हूँ, तो बाहर जो ये है ये भी फिलहाल मेरे इसमें रहेगा, उसको देखना है, मेंटेन भी करना है। देखिए इसको दूर घूमता लगा रहा है। हाँ हाँ गंदे बच्चे, इधर आओ। और इतने बड़े डॉग से अभी जरा से भी डर नहीं रहा है। नहीं हाँ। पहले दिन रोए तो रो तो दराग नहीं कौन नहीं, हाँ थोड़ा सा सोंगत रहा है। बहुत तेज पकड़ रहा है, इसकी बाइट देखिए। अभी से बाइट फोर्स जो कहा जाता है रॉटवाइलर की, बाइट फोर्स काफ़ी तगड़ी होती है। वैसे ही है अभी अपने कलर पे आएगा। हाँ हाँ बहुत एक्टिव है ये, पूरे बड़े फॉर्म के लिए आया हुआ है यहाँ पे। हाँ तक की गाड़ी, और इसको तो पहचान ही रहे हैं आप। आ जाओ, हिम्मत तो देखो यार, बड़े हो गए ये हीरो ही बनने वाला है, क्योंकि वो दवाइया इसका लाया था जो है ला रहे हैं बोल दिन से। नहीं हुआ अभी, ना हुआ। अरे अभी भाव बिल्कुल ना हुआ, अभी छोटा बच्चा है ना, अभी डिस्टर्ब हुई, पानी चेंज हुई। इसे ही बड़ा वैसा हो, मतलब बहुत नाजुक सिस्टम में है, लेकिन ये बड़ा हो बाद गिरा
ठीक।